उत्तर प्रदेश बताएं, बताएं। उत्तर प्रदेश के बीसियों प्रभारी रह लिए भाजपा में, हाँ। हर राज्य में रह लिए, कोई प्रभारी होना इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अरे भाई स्टेट है, सुनो तो भाई, तो प्रभारी भी होगा, आते हैं जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, नाश्ता करते चले जाते हैं, भोजन बैठक और विश्राम, ठीक है। ये अमित शाह का बुलबुला क्या है कि इनका मतलब संत के चरण नहीं पड़े और हंगामा शुरू हो गया। उससे पहले सौदान सिंह रहे, नरेंद्र सिंह तोमर रहे, ऐसे तमाम लोग रहे, उनका कहीं तो अखबार में भी पता नहीं लगता था कौन प्रभारी है। ये कैसी डुगडुगी बजी कि वो अभी गुजरात से ट्रेन नहीं पकड़े लखनऊ की और प्रदेश में हंगामा शुरू हो गया। कभी कप्तान सिंह के नाम पर तो इतनी हंगामा नहीं हुआ, तोमर के नाम पर तो हंगामा नहीं हुआ। नहीं नहीं, आपकी बात से अक्सर से सहमत हूं। नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो सफलता जनता ने दी है, जो परिणाम आ चुके हैं, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, उस सफलता के पीछे अमित शाह का कुशल प्रबंधन बहुत अहम रोल अदा किया है। अब हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, 80 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो यहां भी हमें एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता थी, नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता थी, तो नरेंद्र मोदी जी आए। भाई एक राणा साहब, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, लेकिन मैं एक मेरी एक वो है, मैंने ईमानदारी से बताया, मैं बोल जिज्ञासा है, जिज्ञासा है। हाँ बिल्कुल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाऊराव देवरस, रज्जू भैया, इनसे बड़ा तो कोई उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं आपके परिवार में, है ना भाई? वाजपेयी जी भी इन्हीं के सानिध्य में सीखे और हाँ, बाकी के लोग भी सीखे, ठीक, वहां हाँ, से शुरू करो। जब से चुनाव लड़ना शुरू किया होगा जनसंघ ने 52 से, तब से लेके आज तक, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे चमत्कारी परिणाम कभी किसी लीडर ने दिया तो वो कल्याण सिंह है। 222 विधानसभा में भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति, कभी नहीं जीते आप, और 60-61 सीट लोकसभा में। आप कह रहे हो कि इनका कुशल प्रबंधन ज्यादा बड़ा है, भाई जितना बड़ा बनारस और इलाहाबाद मंडल है उतना बड़ा तो कुल गुजरात है। तो जिस आदमी ने 20 करोड़ 22 करोड़ के सूबे में ये चमत्कार परिणाम दिया, या आप मुझे वो नेता बताओ कि नहीं मैं कल्याण सिंह से बेहतर परिणाम तो लालजी टंडन ने दिया था, ओम प्रकाश सिंह ने दिया था, तो मैं मान लूं। तो जब वो व्यक्ति आपके पास था तो आप टॉर्च लेके गुजरात क्यों गए? मैंने ये तो सवाल उठेगा ना। हाँ नहीं, सवाल स्वाभाविक है। मैंने पूर्व में ही कहा अग्नोत्री जी कि कल्याण सिंह जी भी स्वयं चाहते थे कि अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए, ये उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा। रिटायर हो रहे हैं क्या कल्याण सिंह साहब? नहीं नहीं, राजनीति से, बीजेपी से? नहीं नहीं नहीं, वो आपके कान में बताया होगा उन्होंने कि भैया मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब तो शाह जी को बुला लो आप। उनका तकाजा है कि भाई किसी युवा को आगे लाया जाए जो समय दे सके, और मैं उनके साथ। उनके खुद के बेटे क्यों नहीं? उनके खुद के बेटे रज्जू भैया तो नहीं कभी खाली हैं आजकल? नहीं नहीं है, वो भी हैं, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। अमित शाह जी, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक हैं, कुशल प्रबंधक हैं। अरे मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी ना होगा अलादीन का चिराग, जो भी रगड़ दो जिन्न पैदा होगा बोलेगा हाँ 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 मेरे आका क्या चाहिए, और नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुझे सरकार चाहिए, और जिन्न सरकार बना देगा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अरे भाई नरेंद्र मोदी को भी तो चुनाव में जाना है, और नरेंद्र मोदी जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए गुजरात के बाहर सब जगह बीजेपी की नैया डूब गई। छह सीटें कांग्रेस से, मैंने कहा गुजरात के बाहर, और चार मैंने कहा गुजरात के बाहर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं जहां वो प्रचार करने नहीं गए वहां कांग्रेस से 6 सीटें छीनी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी लड़ाई जो है कांग्रेस से कहीं नहीं है। हाँ। हमारी लड़ाई जो है इस समाजवादी पार्टी, इस बसपा से, या इस जो इस प्रदेश को जिन्होंने तबाह करके रख दिया लगातार, उन लोगों से भी साथ साथ चल रही है कि कैसे भ्रष्टाचार से इस उत्तर प्रदेश को बाहर लाया जाए, और उस भ्रष्टाचार भाई में केवल आपके क्या कर रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पे, आप ही तो बताइए। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं है किसी की भी। यही तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे, बनाई हुई चीज है यही मैं भी कह रहा हूँ आपसे, आप समझने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी पर, नरेंद्र मोदी जी के विकास पर, नरेंद्र मोदी जी की देशभक्ति पर, तो बीजेपी के सारे नेता बेकार हो गए? नहीं बेकार कोई नहीं हुआ, सब उनके साथ हैं, कौन बेकार हो गया?
हाँ ना ना तो आपकी भाषा में बात करूं राणा साहब, आपकी भाषा में बात करूं तो जो ये बीजेपी का जो हाथ है ना यूपी में, इसकी सबसे बड़ी उंगली नरेंद्र मोदी और दूसरी छोटी उंगली अमित शाह, बाकी सब छोटे, ये मतलब है ना आपका? नहीं नहीं बिल्कुल, राजनाथ जी हैं सारी उंगली बराबर है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और बाकी हमारे सारे वरिष्ठ लोग हैं, घर विजेंद्र पाटी जी, दिग्विजय सिंह को रिप्लेस करने वाले मधुसूदन मिस्त्री का जो परिचय है वो हालिया परिचय है कि वो कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी थे, जहां बीजेपी ने येदुरप्पा साहब ने थाली में रख के सरकार आपको दे दी और आपने उसका वरण कर लिया, आलिंगन बद्ध हो गए आप। मधुसूदन मिस्त्री का इसके अलावा कोई और हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिचय मुझे याद नहीं, आपको याद हो तो मुझे बता दीजिए। यूपी में मृत प्राय कांग्रेस को मधुसूदन जी, जो इंजन पूरी तरह से फेल हो गया उस इंजन को मिस्त्री मधुसूदन कैसे सही कर देंगे? नातुल जी ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मृत प्राय इसलिए नहीं है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस को 22 सीटें मिली। अरे भाई कल्याण सिंह का फैक्टर आप क्यों भूल जा रहे हैं? कल्याण सिंह मिलान सभा में बैठ गए थे और मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया था, इसलिए आपको सीटें मिल गई थी। हर बार ऐसा नहीं होगा ना, ये इस बार आप 22 सीटों का गाना गा रहे हैं, ये 22 सीटें 2004 में कितनी थी बताइए जरा आप। अतुल जी हमने ये कहा कि 2004 में हमारे पास 10 सीटें थी, फिर और अभी देखिए 2000 मुसलमानों के पास कोई विकल्प चूंकि नहीं था इसीलिए वोट शिफ्ट हुआ। और अगर ये ना और कल्याण सिंह को दूर करके मुलायम सिंह ने गलती सुधार ली इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अतुल जी बस एक मिनट में हम अपनी बात पूरी कर लें। आज जैसा कि आपने देखा है कि नरेंद्र राणा जी ने खुद कहा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है, इनकी लड़ाई खुद क्षेत्रीय पार्टी तक सिमट करके रह गई है, इसलिए पहले ही कांग्रेस को अपनी लड़ाई हार मैं कहता हूँ कि बीजेपी की लड़ाई खुद बीजेपी के नेताओं से है। अतुल जी मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी की लड़ाई खुद बीजेपी के नेताओं से है। जी मैं यही कहना चाहता हूँ अतुल जी कि जिस तरह से नरेंद्र भाई वहाँ पर थोपे गए हैं उसी तरह से अतुल जी भी थोपे गए, जनता की बात है। अतुल जी तो यहाँ बैठे हुए हैं, विघटन की स्थिति बैठे हुए हैं, भाई साहब अमित शाह थोपे गए। नहीं नहीं वही सॉरी नहीं अमित शाह जी की बात कर रहे हैं अतुल जी, कि अमित शाह जी को नहीं नरेंद्र मोदी जी को भी थोपा गया है, अमित शाह जी को भी थोपा गया है। और ऐसे अपनी पार्टी में कोई थोपा नहीं, मोदी जी को जैसे थोपा गया इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्हीं के पार्टी में जो सिर्फ उठा हुआ जब यहाँ तक कि पार्टी भी डिवीजन के कगार पर पहुंच गई, बहुत सारे लोगों को हस्तक्षेप, कांग्रेस पार्टी का सीधा डिवीजन हुआ है चार बार, सीधा डिवीजन भारतीय जनता पार्टी का कभी डिवीजन नहीं। त्रिपाठी जी, राणा जी, जब इम्पोर्टेड नेताओं की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी का नाम लिया जाता है, जब इम्पोर्टेंट नेताओं की बात आती है तब सोनिया गांधी जी का नाम लिया जाता है। ना ना इससे समाचार पर सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जब जब आयातित शब्द नेताओं के बारे में कहा जाता है या सुना जाता है तो सबसे ऊपर सोनिया गांधी जी को माना जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने भारत आके भारत को आत्मसात कर लिया, ये भी लोगों ने चुन लिया, लोगों ने सांसद चुन लिया अपना, बार बार चुन लिया। हाँ तो जनता का निर्णय हम मानते हैं ना। हाँ हम गए जनता के बीच में इस बात को लेके, हाँ कि सोनिया गांधी विदेशी हैं। हाँ सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने, जिसको ये बलिदान का बड़ा भारी संग्राम बताते हैं कांग्रेस, ये जो है उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि साहब आप नहीं प्रधानमंत्री बन सकते क्योंकि आपके पास दोहरी नागरिकता है, चुनाव प्रभारी को तो इसलिए आज जो है ठीक है और ठीक है। अमिताभ जी आदमी को प्रधानमंत्री बना, अब जरा अमिताभ जी की संपादकीय टिप्पणी सुन लीजिए प्लीज। दो लोग नहीं, देखिए मुझे लगता है दोनों दलों के प्रभारियों की स्थिति और उपस्थिति में अंतर है। यहाँ पे सपा की तरफ से कोई होता तो और मजा आता। मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दल है वो क्या अमित नहीं, देखिए कांग्रेस और भाजपा की जो ये रंगबाजी है ना, हमारा क्षेत्रीय दल है, हम लोग बड़े लोग हैं, ये मुझे याद दिलाती है। सच है राणा साहब इजाजत हो तो मैं कुछ बोल लूं? नहीं नहीं जरूर। ये मुझे याद दिलाती है गांव के उस लुटे पिटे फूके हुए जमींदार की, जिसकी खेती बाड़ी सब चली गई। हाँ। लेकिन वो कहता हमारे छोटे लोग हैं, इनसे मुंह नहीं लगता मैं। हाँ। पजामा फटा है, खानदानी है। हाँ। पजामा फटा है, है? हाँ। दरी भी फटी है। हाँ। लेकिन कह रहे हम लोग खानदानी है, हम छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। मैं भाजपा और कांग्रेस की इस उत्तर प्रदेश के शब्द में कहूं, कानपुर का शब्द है रंगबाजी, तो इस रंगबाजी पर बलिहारी हूं भाई।
अग्नोत्री जी कुछ पैसा हाथ में होता, राणा साहब सुन लीजिए, कुछ पैसा हाथ में होता तो निक्षावर करने का मन करता। ऐसी अद्भुत बात बोलते हैं दोनों दल के नेता, ये क्षेत्रीय दल है। अरे 23 वर्ष से शासन कर रहे हैं वो लोग देश के सबसे बड़े सूबे पर, और आप लोग 5-5, 10-10 सीट के लिए माथा 25 सीट पटवल करते घूम रहे हैं। और केंद्र में आपकी सरकार उन्हीं क्षेत्रीय दलों की मर्जी पर, उनकी मर्जी पर, उनकी मर्जी और उनकी कृपा पर आपकी सरकार चल रही है दुजेंद्र जी। और आप लोग हाथ फैला के जाते हैं समर्थन लेने के लिए। लोग क्षेत्रीय दल कहते, मैंने नरेंद्र सिंह राणा जी की पार्टी को देखा, इन्होंने नहीं देखा होगा, मैंने देखा। वाजपेयी जी के यहां मायावती जी काशीराम जाते थे तो गेट तक बाहर निकलकर आते थे अटल बिहारी वाजपेयी। आप उनको बताते छोटे नेता है, क्षेत्रीय दल है, हम लोग बड़े लोग हैं, क्योंकि विधानसभा में हमारे 10-20-25 एमएलए जीतते हैं 400 में से, हम बड़े लोग हैं। आज अब माहौल है भाई, उनके पास जब है नहीं कोई, जनता तो का मैंडेट जिसके साथ है उसको छोटा बता रहे, और जिनका चेक बाउंस हो रहा है वो बता रहे कि हम खानदानी है। चुनाव आज बहस का विषय नहीं। आज दो प्रभारी मुझे लगता है अमित शाह खड़ाऊ लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में, मधुसूदन मिस्त्री खड़ाऊ लेकर नहीं आए, क्योंकि वहां सोनिया गांधी खुद हैं, वहां राहुल गांधी खुद हैं, सब पर भारी प्रभारी जो कुछ है वो राहुल जी खुद हैं वहां। वहां कोई मिस्त्री, कोई राज, किसी का कोई ज्यादा करिश्मा नहीं, लेकिन कुछ नहीं भाई। राणा साहब ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगा ना, राणा साहब ऐसे नहीं बोल पाऊंगा लगातार ना। सुन लीजिए आप राणा जी, सुन लीजिए, हाँ बोले बोले बोले, ऐसे नहीं बोल पाऊंगा ना, या तो मैं लिखा हुआ पढ़ू तब तो ठीक है, मेरा एक फ्लो है, वो फ्लो टूटता है तो फिर दिक्कत आती है ना। विधानसभा ना बनाए संवाद करने में, ये समाचार प्रेस का मंच रहने दे प्लीज। मधुसूदन मिस्त्री हो या दिग्विजय सिंह हो, कोई प्रभारी रहे कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और सोनिया जी खुद हैं। लेकिन मैंने जो पिछले 3-4 दिन, जब 3-4 दिन वहां अमित शाह जी रहे लखनऊ में, तो मैंने उनका जो रूप देखा है और पूरी पार्टी को जिस ढंग से शेल्टर होते, बिल्कुल शेटर्ड होते देखा है, लगा कि खड़ाऊ आ गई, लाओ भाई सिंहासन का रखो खड़ाऊ और चलो नमस्ते करो, सब लोग लाइन में लगो, लगो लाइन में। मुझे बीजेपी के नेताओं ने बताया अनौपचारिक बातचीत, मैं वो यहां कोट नहीं करूंगा, मर्यादा के विरुद्ध है। किस ढंग का लगा कि नहीं सब बदल दूंगा, अब मैं आ गया हूं, किसी की रंगबाजी नहीं चलेगी, साइड हो जाओ। ये जो भाव है ये उत्तर प्रदेश की मर्यादा के लिए ठीक नहीं है। आपने गुजरात जीता होगा, आप उत्तर प्रदेश भी जीत ले, ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की एक सत्ता रही है, उस सत्ता को कोई छोटे सूबे का नेता आके अगर चैलेंज करे उसकी अस्मिता को, तो वो ठीक भाव नहीं। और इस रंगबाजी से, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 60 एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा भेजे हो, 222 की अखिलेश यादव की पार्टी में 224 है ना, जिस पर ब्रिटेन और लंदन और अमेरिका के अखबारों ने बधाई लिखी। अरे 222 तो कल्याण सिंह भी जिता के लाए थे इसी उत्तर प्रदेश में। जब जो ऐसा प्रदेश हो, ऐसा नेतृत्व जहां रहा हो, वहां कोई गुजरात से आदमी आए और कहे लगो लाइन में सब लोग, मैं आ गया हूं रिंग लेके, अब रिंग मास्टर हूं मैं नया, ये स्कूल नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। मैं फिर कहता हूं चंडीगढ़ नहीं, असम नहीं, त्रिपुरा नहीं, मेघालय नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, जहां जवाहरलाल हुए, जहां वाजपेयी ने चुनाव लड़ा, जहां लोहिया ने चुनाव लड़ा, जहां बहुगुणा रहे, बड़ा प्रदेश है, शाहों से कुछ नहीं होता, जनता की आवाज को सुनना होगा, जनता के साथ जुड़ना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह राणा साहब, बहुत शुक्रिया दुष्यंत त्रिपाठी जी, जो आयातित नेता हैं, जो इम्पोर्टेड नेता हैं, अब ये क्या गुल खिला पाएंगे, जनता इनको कितना एक्सेप्ट करेगी, इनको एक्सेप्ट करेगी या फिर जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा उसके नाम पर वोट पड़ेंगे, चेहरा कौन सा होगा और कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो पूरे घर के बल बदलने के दावे कर रहा है, ये सब अभी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की बात होगी। उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार, इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम राहत लेकर चलो उत्तराखंड, इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। क्या एंड
रिफ्रेशिंग मिनी गम क्या। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी कर